हाय साहब, अभी देखो मैं आपको समंदर के पास में से दिखाता हूँ कुछ। लाइफ में सोचा नहीं था कि इतना कुछ अचीव कर पाऊंगा मैं। भाई साहब, मुझे नहीं पता कि मुझे किस बात की खुशी हो रही है, बस ओनली फॉर खुशी हो रही है। इतना एंजॉयमेंट के साथ साइकिल चलाना, वो भी पहली बार। हेलो जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी के दुआ प्यार से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज अजमेर टू महाराष्ट्र की हमारी साइकिल यात्रा को लगभग 14 दिन हो चुके हैं। तो 14 दिनों से हम चल रहे हैं। और यहाँ से आज हम द्वारका जाने वाले हैं। लगभग द्वारका है 110 किलोमीटर, मतलब कि 110 किलोमीटर है। सो 110 के लगभग में है। तो देखते हैं, आज कोशिश तो सारी करेंगे कि हम द्वारका पहुंच जाए और द्वारका में ही स्टे करने की। तो देखते हैं, अब आज के यार तो 8 तो बज चुके हैं, तो 8 बजे हम स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा सेटअप वेटअप करना मुश्किल हुआ। ये आप देखिए, इधर ये बैग वेग सारा कुछ बांधना पड़ा। अभी ये वापस से मुझे ऐसा लग रहा है ये टच हो रहा है। ये देखो, ये तो एकदम बहुत कुछ चड़खंजा करना पड़ा अब। और ये बोर्ड को वापस चिपकाना पड़ा मुझे, और किसी भैया ने फ्रूट्स दिए थे मुझे, तो अब वो फ्रूट्स को साइड में टांगना पड़ा क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। बहुत कुछ करना पड़ रहा है। सभी को मैं बता देता हूँ कि आखिरी बड़ा मूड खराब है मेरा, क्योंकि 8 बज गए थे और 8 बजे तक नाश्ता वास्ता भी कुछ नहीं हुआ हमारा। नहाना धोना तो ठीक ठाक हो गया, वॉशरूम वगैरह का थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं था, लेकिन हाँ हो गए। और भाई पेट वगैरह और परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा वाला। अरे दिमाग इतना गर्म हो गया था। अभी बिस्किट खाए हैं, अभी ठीक ठाक हूँ। आ भाई, सामने जो वो नदी से जो पानी आ रहा है डैम से कूद के, क्या नज़ारा है भाई। लाइफ में क्रेन तो देखी है, लेकिन ऐसी क्रेन कभी नहीं देखी है गाइस। कितनी बड़ी वाली क्रेन है ये देखिए आप, वहाँ से लेके यहाँ तक। वो भाई मतलब कि बोल ही नहीं सकते। आप देखिए ये इतनी बड़ी है यार, भाई साहब इतनी बड़ी क्रेन। रोड तो यहाँ पर द्वारका वाला रोड तो बहुत बढ़िया है, एक नंबर। बस यही बात है, अकेले होते हैं तो परेशान हो जाते हैं। गाड़ियाँ सारी द्वारका की तरफ जा रही है और द्वारका हमसे है लगभग 85 किलोमीटर। सोच रहे हैं कहीं आगे जाके चाय वाय पीते हैं, पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं फिर चलेंगे। तो अभी 10 बजे हैं और अब हमने चाय ली है। वही साहब, चाय की बड़ी तलब मच रही थी, तो हमारी चाय आ गई और ये नाश्ता जो है, अभी नाश्ता करते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं एक वीडियो पोस्ट करके। जहाँ पर अभी हमने चाय पी थी ना, तो फुल चाय ली थी हमने, नाश्ता वगैरह किया था अच्छे से, और नाश्ता तो हमारे पास था, चाय ली थी हमने बस। भाई साहब ने पैसे नहीं लिए थे कि नहीं, कोई बात नहीं। अब मतलब बस ऐसे लोगों के लिए भाई है ना, दिल से इतनी दुआएँ निकलती है कि ऊपर वाला मेरी ना सुने, लेकिन मतलब मेरे लिए नहीं ना सुने, लेकिन उनके लिए ज़रूर सुनेगा। दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत चिल है, बहुत सुकून है, काफ़ी मज़े हैं। और फिर कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब कुछ साइकिल वाइकिल छोड़ के वापस से काम करने लग जाऊँ, घर पर चला जाऊँ। ये होता है डिमोटिवेट हो जाना और मोटिवेशन हो जाना कि भाई कोई भी बंदा आपको अगर बोल देना बेस्ट ऑफ लक भाई, बढ़िया काम कर रहे हो, फलाना काफ़ी कुछ बात है भाई, आदमी तो मोटिवेट हो जाता है। अभी जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ काफ़ी, कभी कभार मैं एकदम सैड हो जाता हूँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ तो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। और अभी हम द्वारका से लगभग 75 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पे थोड़ा सा सुकून फील कर रहे हैं भाई साहब। रात को मुझे एक अंकल जी मिले थे, उन्होंने मतलब अंकल जी, आई होप कि अगर वो देख रहे हो, हनुमान जी के मंदिर में वो मिले थे मुझे, उन्होंने मेरे लिए मतलब बिस्किट और चिप्स वगैरह काफ़ी कुछ लिया और दिया। और एक भैया जी आए थे, उन्होंने भी मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह वो भी लेके आए थे और अभी भी वो रखे हैं, खाए नहीं मैंने। तो थैंक यू वेरी मच। भाई साहब मुझे नहीं पता कि मुझे किस बात की खुशी हो रही है, बस ओनली फॉर खुशी हो रही है। इतना एंजॉयमेंट के साथ साइकिल चलाना, वो भी पहली बार। आज अभी तक इस ट्रिप का पहला दिन था, इतने इंजॉयमेंट के साथ मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। वरना साइकिलिंग करते वक्त इतना जोर आता है मुझे,
थक जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन आज ना एकदम नेक्स्ट लेवल खुशी मिल रही है, ना जाने किस बात के। हो सकता है उस चाय का अंदर कमाल हो या अदरवाइज कोई और बात हो सकती है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो उस ट्रिप का काफ़ी आनंद उठा रहे हैं। आई होप कि महाराष्ट्र जाने के बाद ना हमारा प्लान कोई और बन जाता है, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। तो आज चलते हैं द्वारका की तरफ, को द्वारका जी के दर्शन करा देते हैं आज आपको। तो हेलो जी दोस्तों, आप सभी को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। गुजरात में हैं अभी, और गुजरात के लास्ट कॉर्नर के अंदर हैं हम, मोहन का वाटिया है ना भैया जी, मोहन का वाटिया में है। और यहाँ पे भाई मुझे ये दिखी है गाड़ी, ये है RJ01 भाई, एकदम अपने नियर बाय पास में ही है। और ये गाड़ी है अपने जलावड़ा, जहाँ नाम के अजमेर में जो जगह है, नहीं लेकिन मुझे ये गाड़ी दिखी तो भाई अब यही जहाँ कहीं बाहर अपने लोग या अपनी गाड़ी वगैरह कुछ दिखता है ना, तो भाई एक अलग ही खुशी मिलती है, एक लेवल होता है खुशी का। तो दोस्तों अभी मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि राजस्थान वाले हैं, मेरे पास वाले भाई साहब हैं जिनकी गाड़ियाँ लगी हुई थी, और ये रहे भाई साहब। जैसे कि आप जो कोई भी इन सभी को जानता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और यहाँ पे ये कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, ये देख लीजिए, तो खाना वाना खुद ही बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा इन सबसे मिलके, काफ़ी खुशी मिली कि राजस्थान कहाँ, गुजरात कहाँ, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर के अंदर हम आके मिले हैं, तो काफ़ी खुशी हुई चीज़ की। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से द्वारका है 69 किलोमीटर, तो भाई 69 किलोमीटर और चलना है हमें, लेकिन मैप पे कुछ कम बता रहा है, ये 10 किलोमीटर आगे बता रहा है, लेकिन ना जाने क्या होगा क्या सीन है, हमें कोई पता नहीं है। चलने पे बस हमें थोड़ा सा और चलना है, तो 60-70 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद में हम पहुंचने वाले हैं द्वारका श्री कृष्ण जी की नगरी में। ये है NH 151A, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, ये है पवन चक्की, इसे सबसे करीब से अभी देख पा रहे हैं हम, वरना बहुत सारी दिखी थी, लेकिन इतने करीब से इसकी हवा की कटने की आवाज़ इतनी क्लियरली आ रही है, जैसे भी आपको आ रही होगी शायद तक, आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि भाई द्वारका जाने के लिए दो रास्ते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो मैप में, ये लीमड़ी गांव है, और यहाँ से एक शॉर्टकट होता है, एक तो ये शॉर्टकट जाता है और एक ये घूम के जाता है। हम इस शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने वाले हैं, और यहाँ से क्या जल्दी पड़ेगा, तो जल्दी से चलते हैं। तो ये भी किधर से हो आप? भानवर से। देवभूमि द्वारका जिला है। अच्छा, तो अभी हम जैसे कि दो दिन पहले वहाँ से निकले थे, ये वही जगह है, तो यहाँ से पास में ही है, लेकिन ये पैदल ट्रैक कर रहे हैं, तो पैदल में बहुत इश्यूज होते हैं। माइंड ब्लोइंग गाइस, इतना भयंकर वाला नज़ारा, मतलब कि लाइफ में मैंने अभी तक में कहीं भी नहीं देखा है भाई, क्या नज़ारा है यहाँ का। जैसे कि हमें सामने देखो भाई साहब, अभी देखो मैं आपको समंदर के पास में से दिखाता हूँ कुछ। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं भाई द्वारका द्वीप के, मतलब द्वारका द्वीप में ही हैं हम, और यहाँ पे एक बीच जैसा कुछ निकलता है, जो पानी के बीच से जो रास्ता निकलता है, यहाँ आप देख सकते हो वहाँ तक आगे तक उस पार से समंदर है, और ये समंदर, और ये समंदर इतना खुश हूँ, लाइफ में सोचा नहीं था कि इतना कुछ अचीव कर पाऊँगा मैं भाई, क्योंकि सर्वाइव करने के बाद में बहुत कुछ अचीव होता है, और बहुत खुश हूँ मैं ये सारी चीज़ें देख कर के भाई, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो यहाँ हमने हमारी साइकिल को लगाया, ये बिल्लो रानी भी बहुत कुछ देख लेगी, और भाई साहब ये बहुत खुश नसीब है मेरी साइकिल जिसे मैंने खरीदा है। तो फाइनली दोस्तों हमारा रहना सहना हो गया है, यहाँ पर हम एक आश्रम में रुके हैं, और यहाँ पे देखो ये आश्रम है, और यहाँ पे छोटी सी कुतिया भी है जो काफ़ी बढ़िया उधम करती है काफ़ी, लेकिन क्या चूल्हे बढ़िया है, थोड़ा सा मुझे डर लगता है डॉग से, लेकिन कोई इशू नहीं है, बाहर निकल जाएगी, इसलिए अभी यहाँ से नहाएंगे धोएंगे और फिर खाना पीना कर लेंगे, और कल निकल जाएंगे हम। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं।